तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मजे में होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल बनाने के बाद यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरह की यूट्यूब से रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहेंगी इस चैनल पर। चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पर। अब दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप YouTube पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फ्रेश ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी यदि एक जीमेल अकाउंट है पहले से, तो आपको उसे यूज नहीं करना है। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक आपको फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। मैं सिंपली आपको जाता हूँ यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक लोगो दिखता है, तो इस लोगो पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखता है योर चैनल का, तो इस योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएट चैनल का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम रख सकते हैं, जो भी अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम राम किशोर के रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने रख दिया और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। और यहाँ पर यदि आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, गैलरी चूज कर सकते हैं, और इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ से आपको सेव कर देना है। और जैसे ही आपकी यहाँ पर फोटो आ जाती है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट चैनल पर ओके कर देना है, तो आपका चैनल यहाँ से बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं रामकिशन के, और यहाँ पर मेरी फोटो लगी हुई है और रामकिशन के नाम से मेरा चैनल बन चुका है, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल बनाने के बाद एक चीज और होती है जो कि मैं भी आपको बता देता हूँ, वो चीज़ ये है कि वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। तो यदि आपने चैनल बना लिया है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वेरीफाई कैसे करना है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि वेरीफाई करते क्यों हैं। यदि आपको पता हो तो वीडियो के ऊपर थंबनेल लगता है, तो दोस्तों जो ऊपर की फोटो लगी होती है किसी भी वीडियो में, तो उसे थंबनेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपका चैनल वेरीफाई है तो आप थंबनेल लगा पाएंगे, और यदि आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो आप थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। ये यदि आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो 15 मिनट से अधिक लंबा वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। जब आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो आपको थंबनेल भी लगाना पड़ेगा, और कोई वीडियो ऐसा भी हो जाएगा कभी कभी कि आपका 15 मिनट से अधिक लंबा वीडियो हो जाए, तो हमको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखकर चलना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। अब चैनल को वेरीफाई करने के लिए करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। तो ये रहा मेरा क्रोम, और इस क्रोम पर आना है, इस तरह से पेज ओपन होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे डेस्कटॉप साइट पर खोलना है, तो यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद ये डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ, तो आपको इस पर ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ YouTube का लोगो दिख जाएगा, अगर यहाँ नहीं दिखता है तो आपको सिंपल यहाँ से सर्च करना है YouTube.com, तो आपको इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक बार फिर से लोगो दिख रहा है आपको अपने चैनल का, तो यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ ओके करना है। इतने सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको सिंपली ऊपर वाले ऑप्शन यानी कि योर चैनल पर ओके कर देना है। इस तरह से पेज आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, कस्टमाइज चैनल पर ओके करना है। करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर आपको थोड़ा सा जूम करना है, और यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में ये सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चैनल पर आना है, ये देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं, तो चैनल पर आना है। और चैनल पर आने के बाद तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बेसिक इन्फो वाला एंड एडवांस सेटिंग वाला, और तीसरा रहेगा फीचर एलिजिबिलिटी वाला, तो आपको इस पर ओके करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से अब आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिफ़ॉल्ट फीचर्स का एंड फीचर्स दैट रिक्वायर्स फोन वेरिफिकेशन। तो नीचे वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो वेरीफाई योर फ़ोन नंबर पर ओके करना है। यहाँ आपको इस तरह से पेज देखने को मिलता है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, टेस्ट मी द वेरिफिकेशन कोड, ओके। और सिंपली नीचे आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ सिंपली डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ब्लर कर रखा है, ठीक है ना। और गेट कोड पर ओके कर देना है आपको। तो जैसे गेट कोड पर ओके करते हैं तो इस तरह से पेज आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 6 अंकों का कोड भेजा गया है, ठीक है ना, उस मोबाइल नंबर पे जो अभी आपने डाला है। इस पेज को डायरेक्ट काटना है और मैसेज वाले बॉक्स में आना है, ठीक है। यहाँ मेरा 6 अंकों का कोड आया हुआ है, ओके। तो 63 86 37,
तो इस कोड को आपको याद करना है और वहीं पर वापस जाके डालना है। देखिए तो मैं वहाँ पर रिटर्न आता हूँ और यहाँ पर उसी कोड को डालता हूँ जो मेरे मोबाइल नंबर में आया हुआ है। और दोस्तों इसे डालने के बाद एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है ताकि, और यहाँ सबमिट आपको कर देना है, ठीक है ना। और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको कांग्रेचुलेसन, योर फ़ोन नंबर हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड। ओके, तो अब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यदि आपका चैनल वेरीफाई हो गया है, यदि आपने अभी अभी वेरीफाई अपने चैनल को कर लिया है, कि तीसरा काम बचा वीडियो अपलोड करने का, तो अब मैं आपको वीडियो अपलोड करके भी बता देता हूँ कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है ना। सो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूँ कि दो तरीके होते हैं वीडियो अपलोड करने के। पहला तरीका होता है यूट्यूब से और दूसरा तरीका होता है क्रोम ब्राउजर से। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये तरीका छोटा है। क्या है, आपको फिर से यूट्यूब पर आना है और यूट्यूब पर आने के बाद इस तरह से पेज ओपन होता है। फिर यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन नीचे मिलते हैं देखने को, तो सिंपली आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपलोड अ वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर ओके करना है। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक मिनट का वीडियो अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो एप्लीकेशन पर आ जाए, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है ऊपर से, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ टाइटल लिखने के लिए आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपका वीडियो जिस टॉपिक पर है वह टाइटल लिख देना है, जैसे कि मेरा वीडियो है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा YouTube चैनल कैसे बनाएं, ठीक है ना। और जिस टॉपिक पर आपका वीडियो है तो आपको लिख देना है। और सिंपल यहाँ पर जो ये टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है जो कुछ आपने वीडियो में बताया है, और अपने वीडियो की यानी कि दूसरे वीडियोज की लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लिंक कैसे डालते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब के अंदर कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने यह बताया है कि YouTube पर अपना YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। और आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो के बारे में, और फिर यहाँ से बैक आ जाना तीर के वाले ऑप्शन से, और जो ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन है तो इस नेक्स्ट में ओके करके, फिर यहाँ पर आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फिर नीचे यहाँ आना है, और यहाँ पर आने के बाद नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स अवर 18, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर ओके करके फिर यहाँ अपलोड का ऑप्शन है नीचे देख सकते हैं, तो इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आपका वीडियो अपलोड होने लगेगा। अब अपलोड होता है कि नहीं होता तो आपको कैसे चेक करना है, तो यहाँ जो ऑप्शन है लाइब्रेरी का, तो इस पर ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ से योर वीडियोज़ पर ऑप्शन करना ओके करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। अब आपका वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, देख सकते हैं 6 मिनट एगो ये वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली अब करना क्या है, ये 3 डॉट्स पर ओके करना है, और यहाँ पर ओके करने के बाद एडिट पर जाना है, ठीक है। तो एडिट पर जाएंगे, और एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने वीडियो पर ऐड लगाना है, ठीक है ना, कि यानी कि टैग्स लगाने। तो टैग्स कैसे लगाने हैं, तो टैग्स दोस्तों टैग्स का मतलब ये है कि ऐसे आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं, छोटे छोटे वाक्य, कि जो जिसकी वजह से आपकी वीडियो सर्च में ऊपर आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, और YouTube चैनल से रिलेटेड जितने भी वाक्य बनते हैं तो सही लिख दूंगा, जैसे कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। देखिए अभी मैंने बनाए लिखा था, लिख दूंगा बनाते हैं, और इंग्लिश में भी लिख दूंगा हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, और मैं लिख दूंगा हाउ टू क्रिएट। अब यहाँ पर ए लिखा था मैंने, अब यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब लिख दूंगा, यूट्यूब चैनल। फिर लिख दूंगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं हिंदी में, फिर लिख दूंगा हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन हिंदी। तो इस तरह से दोस्तों टाइटल के रिलेटेड आपको कुछ टैग्स लिख देने हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपका वीडियो सर्च में आएगा, ठीक है ना। सो ये काम करने के बाद, और अब आपको यहाँ पर आना है विजिबिलिटी पर, तो यहाँ पर ओके करना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन हैं, पहला है पब्लिक का, और दूसरा है अनलिस्ट का, और तीसरा है प्राइवेट का। तो जब आपको वीडियो अपलोड करना है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर अनलिस्ट में रहने देना है कोई वीडियो जब आप अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद जब आप टैग्स डालते हैं, तो टैग्स डालने के बाद आपको वीडियो को पब्लिक करना है, और यहाँ से पब्लिक करने के बाद फिर
आपको बैक आना है और फिर से यहाँ ऊपर सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको वीडियो को अपने सेव कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो YouTube पर पड़ जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन था कि चैनल कैसे बनाएं और YouTube चैनल पर वीडियो कैसे डालें, तो ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको चैनल YouTube चैनल से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।